अपने झारखंड में दो विधानसभा का उपचुनाव है, दुमका और बेरमो। तो बेरमो का उपचुनाव में हम तमाम बेरमो विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से हमारी अपील होगी, अब इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए, एनडीए को साथ दीजिए। बेरमो क्षेत्र का ही नहीं बल्कि झारखंड के विकास के एक मार्ग को भी आप तैयार करें, क्योंकि पिछले 9 महीनों से जो इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व, तो सरकार की कामकाज के बारे में आम जनता सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल राज्य में बिगड़ चुकी है। वो चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, वो बेटियां भी कहीं सुरक्षित नहीं। जहां लॉकडाउन में क्राइम कम होना चाहिए था वहां अधिक, फिर उग्रवादी एक्टिविटी भी बढ़ी है, घटनाएं काफी हो रही है। फिर विकास तो बिल्कुल बंद सा पड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन ने या कांग्रेस पार्टी ने जो जो वादा किए थे, अब याद करिए, उस समय उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी तो उन्होंने दिया नहीं, बल्कि जो लोग पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे उनकी कॉन्ट्रैक्ट अवधि जब समाप्त हो गई और अवधि विस्तार के लिए जो लोग आंदोलन रख रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर भी डंडे सरकार ने बरसाए और आंदोलन को कुचलने की उन्होंने कोशिश की कर सकी। फिर जो सरकार ने कहा था कि एमए पास बेरोजगारों को 7,000 रुपये मासिक वेतन भत्ता देंगे, ग्रेजुएशन ने बीए पास किए हुए बेरोजगारों को 5,000 रुपया भत्ता देंगे, अब 9 महीना तो गुजर गया, कुछ आप तो उस पर बोलते ही नहीं है, बिल्कुल चुप लगा दिए, ना नौकरी दे रहे हैं, ना भत्ता दे रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं। कोरोना के काल में बड़ी बड़ी सरकार ने घोषणा की थी बाहर से लोग आएंगे, सबको काम देंगे, आप कहीं कोई काम है नहीं। आप तो देख रहे हैं कि काम की तलाश में यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, उसका देख रहे हैं जगह जगह से लोगों को रेस्क्यू करके ला रही है। यानी आज अगर छोटे बच्चे और बच्चियां अगर बाहर जा रहे हैं दूर के राज्यों में काम करने के लिए तो गरीबी के कारण जा रहे हैं, भूख के कारण जा रहे हैं। अगर राज्य में ही रोजगार के अवसर होते तो लोग बाहर पलायन करने को मजबूर नहीं होते। और इसलिए हम मतदाताओं से, सभी भाइयों बहनों से हम यही अपील करेंगे, भाई सरकार ने जितनी लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें की थी, यहाँ तक कि उन्होंने किसानों की लोन भी माफ करने की बात की थी, लेकिन 9 महीना में कुछ नहीं, घोषणा ही रह गया। अब लोन तो छोड़ दीजिए, जो किसान सम्मान निधि यानी प्रति एकड़ 5,000 रुपया जो रघुवर सरकार ने देने की घोषणा दे रही थी, हेमंत सरकार ने उसको भी समाप्त कर दिया और अधिकतम था 5 एकड़ के 25,000 रुपया तक की, तो सबको सरकार ने बंद कर दिया। तो देना तो दूर रहा, जो मिल रहा था पूर्व सरकार की ओर से उस योजना को भी सरकार ने बंद कर दिया, इसलिए हम कहेंगे कि इससे कोई उम्मीद नहीं करो और इस चुनाव से शुरुआत करिए कि सरकार को खाड़ फेंकने की, और आप सब लोग, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग साथ देंगे, सहयोग देंगे, ताकि आने वाले कल में झारखंड में एनडीए की फिर से सरकार बन सके और राज्य विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद।